काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अतीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्री के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है, उसे शिवलिंग मई समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अभिमुक्त कृतिवाशेश्वर, तिल भाणेश्वर, दशाश्रव मेघ आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पूरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगरेश्वर, वैद्यनाथ, जैप्तेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, बामेश्वर, नागेश, कामेश, बिमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मोश्वर, सोमेश्वर, भरद्वाजेश्वर, शूलकटेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अतीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बतलाया कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनुसुईये, यदि तुम एक वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनुसुईये, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से ही मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोक हित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर अनुसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, साध्वी अनुसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देखकर बड़े विस्मय हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायी हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहां वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन शिव का नाम वहां अत्रीश्वर हुआ।